बड़े नारे लगा लिए कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। मैं बताऊं, अब वक्त आ गया है कि हम तुमसे, कान खोल के सुन लो, कान खोल के, कि हम तुमसे कश्मीर भी लेंगे और जरूरत पड़ी तो तुम्हें और तुम्हारे। जय हिंद एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो का रिप्लाई आप लोग जरूर सुनिएगा पहले, उसके बाद बात करते हैं। मैंने इस वीडियो का क्या रिप्लाई दिया है, इस वीडियो का जरा सुनिएगा। अरे चीर देंगे फाड़ देंगे और धरती में ही गाड़ देंगे, अरे चीर देंगे फाड़ देंगे और धरती में ही गाड़ देंगे, और जो हमारे देश के ऊपर आग उठाएगा उसकी छाती में भी तिरंगा गाड़ देंगे, उसकी छाती में भी तिरंगा गाड़ देंगे। जय हिंद जय भारत। तो सुना आप लोगों ने, दोस्तों मैंने इस वीडियो का रिप्लाई दिया है कि चीर देंगे फाड़ देंगे और धरती में ही गाड़ देंगे, जो हमारे देश के ऊपर आग उठाएगा उसकी छाती में तिरंगा गाड़ देंगे। मैंने कौन सा गलत बोल दिया? अरे इस बहन जी ने तो क्या बोला, डायरेक्ट हमारे हिंदुस्तान के बारे में गलत बोला है, हमारे पीएम के बारे में गलत बोला कि हम उनको चीर देंगे फाड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। उससे पहले भी मैंने और एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें जो पिछले साल जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था, जैसे इंडिया हार गया था उसके बाद एक पाकिस्तान कुछ लड़कियों ने मिलकर हमारे हिंदुस्तान के बारे में गलत बोला है, हमारे आर्मी चीफ के बारे में गलत बोलते हैं ये लोग, एक खान बाबा है वो भी हमारे आर्मी चीफ के बारे में गलत बोलता है। हम उनको रिप्लाई करते हैं, हम किसी की देश का डायरेक्ट नाम लेकर रिप्लाई नहीं करते। इस वीडियो में आप लोगों ने देखा है मैंने क्या रिप्लाई किया कि चीर देंगे फाड़ देंगे धरती में ही गाड़ देंगे, और जो हमारे देश के बारे में गलत बोलेगा हम उनके छाती में तिरंगा गाड़ देंगे। मैंने किसी की देश का पीएम का नाम नहीं लिया, मैंने किसी देश का सीएम का नाम नहीं लिया, मैंने किसी देश का किसी भी आर्मी चीफ का भी मैंने नाम नहीं लिया, किसी के पूरा अगेंस्ट, मतलब डायरेक्टली मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। मैंने आप भी कुछ गलत बोलोगे देश के बारे में तो आपके छाती में तिरंगा गाड़ दूंगा, इसका मतलब यही था बस वीडियो में। मैंने जस्ट ये रिप्लाई किया था, मैंने किसी को गाली गलौज नहीं किया। लेकिन कुछ हमारे हिंदुस्तान के कुछ लोगों ने भी मेरे को कुछ गलत कमेंट कर रहे कि भाई आप तो देश को अलग करने की कोशिश कर रहे हो, ये करने की कोशिश करो वो करने की कोशिश करो। अरे कहा मैंने देश को अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ और कहा मैंने कुछ गलत बोल दिया? अरे ये लोग जब गलत बोलते तब आप लोग कहाँ रहते हो भाई? ये लोग तो पूरा आर्मी चीफ के बारे में गलत बोलते हैं, हर एक चीज के बारे में गलत बोलते हैं, उस टाइम आप लोग कहाँ रहते हो भाई? मैंने इसमें कहा, मैंने क्या गलत बात बोल दिया भाई? आप लोग मेरे को बताओ मैंने कौन सा गलत बात बोल दिया इसमें? मैंने जस्ट रिप्लाई किया चीर देंगे फाड़ देंगे धरती में ही गाड़ देंगे, और जो हमारे देश के बारे में गलत बोला उसके छत्ती में तिरंगा गाड़ देंगे। ये मैंने तो ये आज भी बोलूंगा कल भी बोलूंगा, जो भी इसके हमारे देश के बारे में गलत कुछ बोलेगा मैं इसका रिप्लाई हमेशा इसी बातों से करूंगा, मैं चाहे किसी को बुरा लगे सही लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे को दुख इस बात का है भाई, मेरे हिंदुस्तान के लोगों ने मेरे को गलत कमेंट कर रहे, पाकिस्तान वाले तो कर रहे, कुछ लोग कर रहे पहले पिछले वीडियो में भी किया था और इस वीडियो में भी कर रहे थे, शॉर्ट वीडियो मैंने इसको अपलोड किया था, जरा आप लोग देखना जाके, काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास पहुँच रहा है, पहले हमारे हिंदुस्तान में था वीडियो, अभी वो पाकिस्तान तक पहुँच चुका है वीडियो, ठीक है। तो मैंने कौन सा गलत बोल दिया भाई? ये लोग तो देश के हमारे पूरा अगेंस्ट में बात करते हैं कि हमारे पास जुबान नहीं है बोलने के लिए, हमें रिप्लाई करना, हमारे पास जुबान नहीं है क्या? हम गूंगा बहरा है क्या? क्या हमें सुनाई नहीं देता? क्या हमें बोलना नहीं आता है क्या? मैंने जस्ट रिप्लाई किया, मैंने किसी की देश का किसी का नाम नहीं लिया है भाई, ना किसी का पीएम का सीएम का नाम लिया है, मैंने जस्ट रिप्लाई किया है। बाकी आप लोग बुरा लगता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जो लोग सपोर्ट करते हैं हमेशा करते रहेंगे, जो लोग गलत बोलेंगे हमेशा उनको ऐसे रिप्लाई करेंगे, चाहे कोई गलत समझे या बुरा समझे, गलत समझे या सही समझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखें, अपना परिवार का भी ध्यान रखिए। जय हिंद जय भारत।